अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं मज़ेदार यमी सी चिकन फहीता स्पेगेटी। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ली है बोनलेस चिकन और इसको बहुत थिन स्ट्राइप्स में काट लिया है 500 ग्राम्स। रेनबो कलर पेपर्स चाहिए और स्लाइस्ड अनियन चाहिए एक मीडियम। एक लेमन का जेस्ट चाहिए। पास्ता सॉस 4 टेबल स्पून। गार्लिक क्लोव्स 6 to 7। केचप चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून और होममेड फहीता सीजनिंग चाहिए 1.5 टेबल स्पून। ऑयल चाहिए होगा 4 टेबल स्पून और स्पेगेटी हमने ली है 450 ग्राम। हाँ, मैंने स्पेगेटी बॉईल करने रखी है। मैंने एक पॉट में पानी को बॉईल किया और उसमें सॉल्ट डाल दिया अकॉर्डिंग टू पैकेज डायरेक्शंस, और उसके बाद मैंने पास्ता ऐड कर दिया था। और अब ये बॉईल हो गया है तो मैं इसका पानी सेव कर रही हूँ 1 कप, ताकि हमें चिकन को पकाने के लिए अगर ज़रूरत हो तो हम वो पानी यूज़ करना। मैंने यहाँ पास्ता ड्रेन किया है और अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। मैंने पहले पानी में ऑयल नहीं डाला था। इस तरह से स्पेगेटी बहुत ही अलग अलग सी रहती है, जुड़ती नहीं है। तो अब आप 1 टेबल स्पून या 2 से 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर स्पून से मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और इसमें मैं गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक डालूँगी। ये फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक है, इसका बहुत अच्छा अरोमा होता है। और इसके बाद फिर मैं जैसे ही ये फ्राई होगा तो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालकर चिकन फहीता सीजनिंग डालूँगी 2 टेबल स्पून। 1 पाउंड चिकन में आप 1.5 से 2 टेबल स्पून सीजनिंग डाल सकते हैं। अगर आपको लेस स्पाइसी पसंद है तो आप 1.5 टीस्पून डाल दीजिए। और ये सीजनिंग का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, इन केस अगर आपने अब तक नहीं बनाई है तो आप ऊपर लिंक चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पास्ता वाटर जो हमने सेव किया था वो डाल रही हूँ और चिकन को जब तक पकाऊंगी जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। यहाँ चिकन टेंडर हो गई है तो मैं इसको निकाल रही हूँ और उसी लेफ्ट ओवर ऑयल के अंदर, ये बहुत फ्लेवरफुल ऑयल है, इसी के अंदर मैं वेजिटेबल्स को सौते करूँगी। वेजिटेबल्स को हमने हाई फ्लेम के ऊपर सौते करना है, इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। और अगर आपके पास रेनबो कलर पेपर्स नहीं हैं तो आप सिर्फ ग्रीन पेपर्स और अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर्स अपना पानी छोड़ देता है, इसलिए बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं कि आप टमाटर डाल दीजिए, लेकिन टमाटर का टेस्ट और रेड पेपर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं रेड पेपर की जगह। अगर आपको सॉसी पास्ता पसंद है तो आप भी 4 टेबल स्पून पास्ता सॉस डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा ड्राई पास्ता पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। हम लोगों को क्योंकि अपनी फैमिली में सॉसी पास्ता पसंद है, इसलिए मैं 4 टेबल स्पून पास्ता सॉस और 2 से 3 टेबल स्पून केचप और लेमन जेस्ट डाल रही हूँ। लेमन सेस को निकालते वक्त आप ध्यान रखें कि आप लेमन की वाइट स्किन को ग्रेट ना कर दें, क्योंकि फिर उसमें बिटर फ्लेवर आता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद आती है स्पेगेटी डालने की बारी। ये बहुत ही झटपट बनने वाला पास्ता है। अब देखें कितना सॉसी सा लग रहा है, और अब मैं इसके अंदर स्पेगेटी फोल्ड कर दूंगी। स्पेगेटी देखें बिल्कुल अलग अलग है। इसको उबालते वक्त मैंने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ड्रेन पास्ता का वाटर ड्रेन करने के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया था, तो बहुत अलग अलग स्पेगेटी है। बस अब हम इसको स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये अच्छी सी मिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े की स्पेगेटी तैयार हुई है, आइए इसको इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।